एवरीवन, सो मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ चंद पंक्तियां लेकर आई हूं, ठीक है। पहले एक बारी मैं आपको सुनाती हूं, फिर समझाती हूं कि उन लाइनों का मतलब क्या है। जो ये लाइंस है ये रतन टाटा जी ने कही है। सभी को पता ही होगा रतन टाटा कौन है, नहीं पता है तो जाके देख लेना, पता चल जाएगा, बहुत मशहूर नाम है इनका। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। कहने का अर्थ ये है कि हमें भटकने के लिए बहुत सारे तरीके मिलेंगे, और अपने पास तो आजकल बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे इंटरनेट आगे बढ़ता जा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन के गेम्स हो, चाहे वो कोई सोशल मीडिया हो, या चाहे किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, हमारे आसपास की सारी चीज़ों का बस एक ही फोकस होता है हमें भटकाना। जो ये सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं, इनका एल्गोरिथम इसी हिसाब से सेट होता है कि भाई हम उनमें एंगेज रहें और अपने काम के ऊपर ध्यान ना दें। तो भटकने के बहुत सारे तरीके हैं, अपने रास्ते से हट जाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर अपने पथ पर रहने में, अपनी मंजिल के रास्ते पर रहने का सिर्फ एक ही रीज़न आपको चाहिए होता है, बस एक ही कारण आपको चाहिए होता है। सबके अपने अपने अलग कारण हैं, बस उस एक कारण को अपने आगे रखो और उसी को ही देखकर चलो, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक।